हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बाउंसर के जॉब के बारे में कि एक बाउंसर के रूप में आपको क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पे जॉब मिलेगा एक बाउंसर के रूप में, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक बाउंसर को डोरमैन या सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी बोला जाता है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। एक बाउंसर के रूप में आपको कई जगह जॉब्स मिल सकता है, जैसे कि कोई क्लब है, नाइट क्लब है, कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई होटल है। उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सर्ट होते रहते हैं, वहाँ पे भी बाउंसर्स का जॉब होता है। बेस्ड ऑन आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े थोड़े चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी क्लब में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी वहाँ पे आ रहे हैं विजिटर्स, उनकी लीगल एज चेक करना, वो लीगल ड्रिंकिंग एज के हैं या नहीं, वो चेक करने का आपका काम होगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल आना चाहता है, जो भी कोई वेन्यू पे आप अगर जो बाउंसर का काम है वो कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन वहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको एंट्री रिफ्यूज़ करनी है या एंट्री देनी है, वो भी आप देखेंगे। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे कोई जो विजिटर है या इंडिविजुअल है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, तो उनको कंट्रोल में लाना, उनको ये बताना कि वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से ही अगर वो विजिट कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो उनको उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में वो अकेले नहीं है, रेस्टोरेंट में और भी लोग रहते हैं। तो नॉन कंप्लायंस जो है उस पर आप उनको रेस्टोरेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं। एक बाउंसर के रूप में आपको जो जॉब मिलेगा वो हो सकता है कि डायरेक्ट वेन्यू जो हो वहीं पे आपकी हायरिंग हो, या फिर कोई सिक्योरिटी फर्म हो वो भी आपको हायर कर सकती है। मोस्टली बाउंसर्स का काम वहाँ होता है जहाँ पे ये आशंका होती है कि जहाँ पे लोग हो सकता है कि थोड़ा अल्कोहल लेंगे, और वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी लड़ाई भी हो जाए लोगों के बीच, बहुत बड़ी अगर क्राउड होती है, क्राउड साइज बड़ा है, तो वहाँ पे एज अ बाउंसर आपको हायर किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ी क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्राउड कभी कभी स्वे हो जाती है, तो उसमें उनको कंट्रोल में रखने के लिए एज अ बाउंसर आपका काम होगा कि आप उनको कंट्रोल रखें। अगर कोई ऐसा वेन्यू है जहाँ पे क्रिमिनल गैंग एक्टिविटी है या इस टाइप के लोग आ सकते हैं, तो वहाँ पे एज अ बाउंसर आपको रखा जाएगा कि आप चीज़ों को, अगर कुछ गलत चीज़ें होने वाली हैं तो आपको देख के वो ना हो, क्योंकि लोगों को पता है कि एज अ बाउंसर आप वहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत सारे क्लब में एज अ बाउंसर जब आप काम करेंगे तो आपका काम ये भी होगा जिसको बोलते हैं कि फेस कंट्रोल करना, मतलब कि आप देख के ही लोगों को चूज कर लें कि इनको एंट्री अंदर देनी है या नहीं देनी है। तो वो एक एक्सपीरियंस से आपको आ जाता है कि आपको पता लग जाता है कि इनको हमको अंदर एंट्री दें या नहीं दें। एज अ बाउंसर आपका ये भी काम होगा कि जहाँ पे कैश जो है वो हैंडल किया जा रहा है, लेट्स से कि कहीं पे कोई वेन्यू है वहाँ पे लोग टिकट खरीद के फिर अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आता है, कैश जो हैंड चेंज है वो करता है, जो लोग आ रहे हैं इंडिविजुअल वो कैश देते हैं, उसके बाद वो कैश शायद अंदर कहीं लेके जाना हो जहाँ पे इकट्ठा करके रखना हो, तो कैश जो है एक तो आ रहा है, ऊपर से काफ़ी हैंड्स को चेंज कर रहा है वो, तो वहाँ पे एज अ बाउंसर आपका काम होगा कि आप ये मॉनिटर करें, आप ये मेक श्योर करें कि जो कैश है उसको सेफली रखा जा सके। सिक्योरिटी देने के साथ साथ, क्योंकि बाउंसर के रूप में आप वो फर्स्ट इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट में कोई अगर आ रहा है या किसी क्लब में कोई आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन आप होते हैं उनसे मिलने वाले, और लास्ट भी आप ही उनसे मिलते हैं जब वो बाहर जाते हैं वहाँ से। तो सिक्योरिटी के साथ साथ, टफ होने के साथ साथ, आपका फ्रेंडली नेचर होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत बड़े क्लब्स में काम करेंगे एज अ बाउंसर, ये भी हो सकता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्लब्स होते हैं, वैरायटी ऑफ वेन्यूज होते हैं, तो इसमें आपका प्रोफेशनल होना और उसके साथ साथ फ्रेंडली होना, आप लोगों को अच्छे से ग्रीट भी करेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ योर जॉब होगा। अगर हम लोग एक मोटे तौर पे देखें कि एज अ बाउंसर जब आप काम करेंगे तो आपकी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो सबसे पहला तो ये है कि आप क्राउड को कंट्रोल करेंगे। कहीं भी जो लार्ज क्राउड है
उसमें सबसे पहले कुछ अनटूवर्ड ना हो पाए, क्योंकि आप जो एज अ बाउंसर जब आप वहाँ होंगे तो लोग अपने आप ही उनको लगता है कि हाँ आप हैं, तो वहाँ पे वो कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे अनटूवर्ड कुछ हो जाए वहाँ पे, पर अगर कुछ हो जाता है तो आप क्राउड को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो एक मेन काम होता है एज अ बाउंसर, वो आप ये देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन को चेक करना। कुछ ऐसे क्लब्स होंगे जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल आएंगे, आपको ये मेक श्योर करना कि उनकी जो एज है वो यू नो लीगल एज है, लीगल ड्रिंकिंग एज है या नहीं, तो उनके जो वो आपको पेपर वर्क दे रहे हैं या जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड जो वो दे रहे हैं आपको चेक करने के लिए, आपको ये देखना कि उसमें एज उनकी सही है। उसके बाद वो जो जो भी आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो पेपर आपको दे रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, इस सब को भी देखना आपका काम होगा। सिक्योरिटी को इंश्योर करना एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ आपका जॉब होगा, क्योंकि आपका काम ये वहाँ पे कि आप ये मेंटेन करें कि हर काम जो हो रहा है सही से हो रहा है, कहीं से भी कोई क्लब के अंदर कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है। जो लोग हैं जो आ रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे वेन्यूज होते हैं कि जहाँ पे लिस्ट ऑफ जो इनवाइटीज हैं वो हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो इनवाइटेड हैं वही लोग अंदर आए। तो ये जो सारी एक काम है वो आपको सारा सब कुछ मेक श्योर ये भी करना है कि सिक्योरिटी बनी रहे, कोई लड़ाई ना हो, कोई अनटूवर्ड जो इंसिडेंट है वो ना हो, उसके साथ साथ आपको फ्रेंडली और प्रोफेशनल भी होना पड़ेगा। बहुत सारे नाइट क्लब्स या बार में जो कवर चार्जेस होते हैं वो आप कलेक्ट करेंगे, तो वो भी आपका एक पार्ट ऑफ जॉब होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं वो आप करेंगे, ये मेक श्योर करते हुए कि वहाँ पे सेफ्टी भी रहे। तो एज अ बाउंसर का जॉब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए वो है आपकी फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आपको यू नो वही जॉब करना है कि लोगों को कंट्रोल करना है, और आपको देख के ही लोग जो हैं वो कुछ गलत ना करें और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप किसी को रोक रहे हैं तो वो रुक जाए, या जो एंट्री के लिए अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो हाँ वो आपके कहने से रुक जाए। तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी, थोड़ी बिग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, आप सारी जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं या जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं आप उनको साथ में ध्यान में रख के अपना ये काम करेंगे। एक जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है वो आपको होनी चाहिए, आप सेंस कर लें कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, इस तरीके की जो अवेयरनेस होती है वो आप में हो तो इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो बाउंसर का जॉब है इसमें ये जो ओवरव्यू था आपको आज इस वीडियो में मिला, और आपको पता चला होगा किस तरीके का जॉब आपको करना होगा, और एक बहुत अच्छा जॉब है अगर आपको यू नो सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आप अच्छे से लोगों के साथ डील कर लेते हैं, तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी पता चला हो बाउंसर के जॉब के बारे में। कुछ पूछना हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।